क्या ये सवाल नहीं है? तीन हिस्सा बाढ़ और एक हिस्सा सुखाड़ लगातार, आखिर इतने पैसे जाते कहां? क्या कारण है? याद करिए, 70 के दशक के पहले हमारे लिए हमारी नदी वरदान था। जब से फरक्का और भीमनगर बैरेज बनी, हम अभिशाप बन गया। हम फिर 2 किलो चावल, किसी के पहने हुए कपड़े बांध पर 3 महीना लगातार चकाचौंध की दुनिया में लंबी लंबी फलटार गाड़ियां, लोग आएंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ कपड़े डालेंगे, कुछ नदियों के किनारे, लूटे हुए पैसे की बदौलत कुछ चावल कुछ दाल सरकारी चावल के रूप में अरवा, जो पॉलिटिशियन का और आम आदमी का बेटा नहीं खाएगा, अरवा चावल वो खाएगा कौन? वो खाएगा इस 3 हिस्सा नदियों के बीच घिरा हुआ वह आदमी, कभी सूखी मकई पर, कभी सूखी मछली, कभी खेसारी का साग, तो कभी बथुआ, तो कभी पटुआ, और कभी काखोर, कभी बेक्चा। यही तो हमारी नियति है, यही तो बिहार है। कुपोषण के शिकार का बिहार, आर्सेनिक और आयरन पानी पर मजबूर जीने वाला बिहार, बाहर बिहार लगातार 500 रुपये के लिए महीनों दिन चक्कर काटते हैं, फिर भी नहीं। 3 महीना हम अपने गाय माल बकरी को लेकर के सांप के बीच सोए रहते हैं, सांप भी मजबूर हो जाता है जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन ये 2 टंगा सांप हमें नहीं छोड़ता। हमारे ही पैसे, हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें 2 किलो मात्र चावल देता है, 2000 रुपया देता है, और हमें इस्तेमाल करता है, हमसे वो सौदा करता है वोट का, हमसे वो सौदा करता है अपनी सत्ता का, अपने परिवार के लिए। मैं आपसे अपील आग्रह करना चाहूंगा, इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं? 70 सालों के दशक में लगातार ये सवाल खड़ा पप्पू यादव ने किया, जब से मैं 5 बार सांसद रहा हूं, 1 बार नहीं।